केसीएन में आपका स्वागत है मैं किंग हमीद वालेकुम आज मैसूर डिस्ट्रिक्ट एसडीपीए की तरफ से जो जुमेरात का दिन शांति नगर में मदीना मस्जिद के पास जो मोहम्मदिया मस्जिद के पास जो एक गैस का एक्सीडेंट हुआ था वो एक्सीडेंट में जो भी घायल हुए थे हमारे वहाँ के नौजवाना उनके खैर खैरियत कुछ लेकर जाने के वास्ते हमें अस्पताल को विज़िट करे थे अल्हम्दुलिल्लाह रिकवर हो लेकर ही, उनके पेरेंट्स भी यहाँ उनके साथ हैं और भी चंद दिन जो है उनका इलाज चलता तो ये नौजवान जो भी हैं यहाँ सात जने ज़रा सीरियस इंजरी की वजह से अस्पताल में एडमिट होकर हैं इनमें से सद्दाम तबरेज हुसैन हुसैन रिजवान पाशा रिजवान घोरी और सोनू जो हैं ये हॉस्पिटल में ही और एक बंदा जो हैं उन्होंने रेलवे हॉस्पिटल में एडमिट होकर हैं तो हमें यहाँ आकर पेरेंट्स के साथ डॉक्टर्स के साथ बात करने के बाद आ, अस्पताल के तरफ से जो ट्रीटमेंट मिल रहा है अच्छा है ठीक है मगर पेरेंट का एक्सपेक्टेशन जो है वो और भी ज़रा बेहतर इलाज उनको मिलना था कर को एक उन्होंने जाहिर कर कर है। इसके साथ साथ ये जो नौजवान जो हैं एक हादिसा पब्लिक प्लेस में होता है रिहायशी इलाक़े में तो वो वक्त एक मोहल्ले के नौजवाना होने के नाते अपनी जान की परवाह ना करते हुए ये नौजवान जो हैं खिदमत के वास्ते वो हादिसा और ज़्यादा तरीन ना बढ़ जाए ये हलचल में लगने की वजह से इनो भी जो हैं इनका भी जान का धोखा होकर है सो तो इतना बड़ा हादिसा होकर है अल्लाह का शुक्र है हमारे वो मोहल्ले के ज़िम्मेदार जो हैं मोहम्मद शरीफ साहब वहाँ के कारपोरेटर अयाज़ अलियास पंडू और एक्स में अयूब खान हमारे एसडीपीए डी पी आई के वहाँ के वार्ड के ज़िम्मेदारा हमारे कैडर्स ये तमाम लोग और वहाँ के मुकामी नौजवान पूरे जो मिल को ही इमीडिएट रेस्पॉन्स कर ही और उनको हस्पताों को जमाने का वगैरह वग़ैरह जो भी वो वक्त की ज़िम्मेदारी निभाना था निभा कर ही मगर बहुत अफसोस की बात डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के तरफ से कोई अभी तक आकर इनको देखकर जाकर नहीं और कॉरपोरेशन कारपोरेशन से एक महज़र वहाँ जो हादिसा हुआ वहाँ होकर है यहाँ जो कॉरपोरेशन के अफसरान जो आकर विजिट करना था ये होकर नहीं है और डिस्टिक एडमिनिस्ट्रेशन यानी डीसी लेवल से भी ये इसमें यह मामले में आना था उन्होंने भी आकर इनको देखना था इनकी हाल हवाल पूछना था ये जो एक खदमत अंजाम देने के आ, इसमें जो इनका ये हादसे का शिकार होकर हैं तो इनको ये छकरोदाओं को हिम्मत अफजाई डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के तरफ से होना था और भी बेहतर इलाज का मुहैया उन्हों कराना था और ये एक तो डीसी आकर नहीं और डिस्ट्रिक्ट इंचार्ज मिनिस्टर भी एत्य बड़े हादसा तकरीबन 11 लोग हैं ये हादसे का शिकार होकर हैं उन्होंने भी आना था उसमें से सात लोग जो ही बहुत ही सीवियर इंजरीज बर्न इंजरीज होकर ही सो उन्हों भी आना था आकर नहीं और हमारे एम एल ए जो ही एन आर हल्के के तनवीर सेठ साहब उन्हों भी आना था उन्हों भी जो है से तक भी बात तभी उनकी होकर नहीं है उन्हों भी एक इनकी एक खैर खैरियत पूछना था हिम्मत अफजाई करना था हस्पताल को भी विज़िट करना था उनके पेरेंट्स को हिम्मत देना था वो नौजवानों को जो खिदमत करते हुए घायल होकर उनको भी जो है एक हिम्मत अफजाई करना था एक रमज़ान का वक्त है ये वक्त में ऐसा तो सभी जो हैं बहुत रहम दिखाने वाले होती इसमें हमारे जो नुमाइंदे रहती इनका और भी ज़्यादा फ़र्ज बनता है मगर अफसोस उन्होंने अभी तक आकर भी देख कर नहीं बात भी कर कर नहीं ये जी आ, तो यह है हमें आ, हमारे पार्टी के तरफ से और पेरेंट्स के तरफ से गुजारिश ये करती हैं हमारे एम एल साहब से तनवीर सेठ साहब से कि वो फ़ौर आए और ये जो भी है इनको हिम्मत अफज़ाई करने का काम करें और डीसी को तलब करें डिस्ट्रिक्ट इंचार्ज मिनिस्टर जो हैं उनको तलब करें और उन्होंने भी आकर देखना है इनकी हिम्मत अफज़ाई करना है और जो भी एक्स्ट्रा मेडिकल केयर होना तो दिलाना है और एक इम्पॉर्टेंट एक हमारी अपील क्या है हमारी डिमांड क्या है ये जो भी नौजवान वो भी खासकर जो सीवियर होकर अच्छे बर्निंग होकर जो एडमिट हैं ये सात नौजवानों को जो है हुकूमत के तरफ से इनो रोज़ कमा कर खाने वाले अपना घर का गुजार करने वाले तो इनको जो है एक कॉम्पनसेशन प्रोवाइड करने का भी जो है हमारा डिमांड है ये तनवीर सेट जो एमएलए एल उनो डीसी को बात कर कर इंचार्ज मिनिस्टर को बात कर कर जो है या नौजवानों को जो है एक मुआवजा दिलाने का एक हमारे तरफ से अपील है डिमांड है यह जल्दी से जल्दी आकर खैर खैरियत पूछते हुए एक हुकूमत को अपील कर कर एक मुआवज़ा भी दिलाना है तो ये आ, जो है हमारी एक डिमांड भी है और मैसूर के आवाम से हमें गुजारिश करती हैं रमज़ान के मोह ये महीने में जो है ऐसा एक हादसा होकर है जो भी हादसे का शिकार नौजवान होकर ही हमें आंखों से देखे वो बहुत ही खराब है आ, उनके माँ बाप यहाँ साथ ही उनका जो सब्र है और उनका सब्र में अल्लाह जो है और उनको एक हिम्मत देना है अल्लाह और तमाम मैसूर के आवाम से गुजारिश रमज़ान के इस मुकद्दस महीने में ये, ये नौजवानों के वास्ते जो है उनके पेरेंट्स के वास्ते जो है आप दुआ करें और उनके जल्दी से जल्दी जो है अस्पताल से उनको रिहाई मिले और हेल्थ उनकी जल्दी से जल्दी अच्छी हो ये दुआ करें ये हमारा अपील भी है मैसूर के आवाम से शुक्रिया असलकुम जी यूथ हैं लगभग एक बीस से तीस पैंतीस साल तक के यूथ हैं शादीशुदा लोग भी हैं बच्चे वाले भी हैं पेरेंट्स भी हैं उनके और है। टोटल उनके फैमिली के उन जिम्मेदार हैं